जिक्र किया, क्या हम इसके लिए, अभी तो ऐसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इसके लिए तैयारी के लिए यही ये सब तैयारियां हैं जो आज हम जिक्र कर रहे हैं, यही तैयारियां हैं। जो हमारे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वही तैयारियां हैं हर चीज़ पर। जैसे अभी नॉर्दर्न सेक्टर में कुछ हमारे बॉर्डर रोड्स के लोग काम कर रहे हैं, चाइना उस पर ऑब्जेक्ट कर रहा है, ये हमारी तैयारियां हैं। क्योंकि जो वार की सिचुएशन होती है उसके लिए डिटरेंस चाहिए, उसको अवॉइड करने के लिए। डिटरेंस के लिए आपका मोबिलाइजेशन, प्रिपेयर्डनेस और आपका ऑन द ग्राउंड क्या आप बियर कर सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और यही तैयारियां हो रही हैं, मैं समझता हूं कि राइट दिशा में है, ये तैयारियां होनी चाहिए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूं, कितने भी आप अलायंस कर लो, कितने भी विश्व में देश जो चाइना के खिलाफ है उनसे आप मिल लो, आपको खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा और खुद आपको अपनी फौजों को इस दिशा में रखना पड़ेगा, इस दशा में रखना पड़ेगा कि हम चाइना को फेस कर सकें। यह राइट स्टेप है, यही होना चाहिए। एक लाइन नहीं लेनी चाहिए, अगर हमने शुरुआत कर दिया हमें उस मोड में रहना पड़ेगा। अगर चाइना और दूसरे पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, हमारे रक्षा के लिए अमेरिका भी नहीं आएगा, जापान भी नहीं आएगा, फिलीपींस भी नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, हमको खुद तैयार होना है। एक लाइन ऐड करूंगा, भारत की निंदा होती रही है कि इंडिया डज नॉट पंच अकॉर्डिंग टू इट्स वेट, और अगर हमने शुरू कर दी है, इसकी शुरुआत कर दी है, तो मुझे लगता है कि इसको फुल सपोर्ट मिलनी चाहिए। वी मस्ट स्टार्ट पंचिंग अकॉर्डिंग टू आर वेट, जो भी हमारा इंटरनेशनल होराइजन पे है, चाहे वो इकोनॉमिक वेट है, चाहे वो डिफेंस वेट है। तो इसका निंदा करते हैं, बात भी ठीक है, आखिरकार क्यों डरे हम? हम कुछ गलत नहीं कर रहे, कोई भी हम पड़ोसी मुल्क के साथ किसी भी रिश्ते को कभी भी खराब करने की भारत की तरफ से कोशिश नहीं होती है, हमेशा एक फ्रेंडली रिलेशन बनाया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी भले ही हमारी तरजीह ही है, एक मुद्दा है जिस पर सरकार चलती आई है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि हमारे इस रवैये का फायदा उठाया जाए। अभय दुबे जी, हम जिस मोड में अभी हैं, आपको लगता है कि ये तैयारियां थोड़ी लेट शुरू हुई हैं? पहले ही हमें इस मोड में आ जाना चाहिए था जब आपकी सरकार थी? नहीं, तभी से हम हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अभी हमारे साथी मित्र ने भी कहा कि पहले से, देखिए ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट कोई देश तैयारी करके अपने डिप्लॉयमेंट कर दे या उस सीमावर्ती क्षेत्रों पर फौजों को भेज दे, तो लंबी तैयारियों का नतीजा होता है कि आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं। अभी बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया, क्योंकि देखिए 1998 के बाद 11 अपने लैंड डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए हैं चाइना ने। हमारा क्या प्रश्न था? हमारा प्रश्न ये था कि एक जो 1865 में जॉनसन लाइन थी, जिसमें अक्साई चीन हमारा था, और आपको आश्चर्य होगा कि 1933 तक चाइना बताता रहा कि अक्साई चीन कश्मीर का हिस्सा है। मैकमोहन लाइन पर शिमला में 1913-14 में बाकायदा तिब्बत चाइना और इंडिया के बीच में हुआ और मैकमोहन लाइन को माना जाता है। तो अंततः चाइना को इस बात को स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो सिक्किम का विषय हो, आप देखिए सिक्किम में भी उन्होंने यही किया था, वो अपना हिस्सा बताते थे तिब्बत का, लेकिन हमारा प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, क्योंकि जो चोगियाल डायनेस्टी वो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, तो हमने उनको शर्तों पे हिंदुस्तान में शामिल किया था कि डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर हमारे थे, बाकी उनका अपना कानून था। 75 में सिक्किम ऑफिशियली हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया और चाइना को यह मानना पड़ा। 2003 में चाहे भारतीय जनता पार्टी की जब स्वीकार सरकार थी, चाहे वो एग्जीक्यूशन 2006 में हुआ हो, लेकिन अंततः चाइना ने उस बात को स्वीकारा। तो हम इस बात पर चाइना को, क्योंकि हमारा अधिकार है, हम बात भी करेंगे अंततः कि अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश ये हमारा हिस्सा है। चलिए, जहां एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है वहां पर तो हर पार्टी अपना क्रेडिट लेना चाहती है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप क्या सहमत हैं अभय जी की इस बात से? नहीं है, सतत प्रक्रिया, देखिए विदेश नीति एक सतत प्रक्रिया है, इससे कोई इंकार नहीं किया जा सकता। हमारी आत्मरक्षा की नीति भी एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन एक स्थिति पर जब एक व्यक्ति आपकी आर्थिक घेराबंदी करता है, सुरक्षा संबंधी घेराबंदी करता है, परमाणु शक्ति आपके शत्रु को देता है, उसके आतंकवाद तक को प्रश्रय देता है, उस समय जो है आप वैश्विक स्तर पर जब अपनी आत्मरक्षा का जो अधिकार है उसका अहंकार बढ़ते हैं, और एक जब हाथी ये कहता है कि मैं ड्रैगन से नहीं डरता, उसका एक संदेश जाता है, और वैश्विक जो आपको राजनय में आर्थिक जो समझौते होंगे या अन्य आपको जो लाभ मिलेंगे राजनयिक, उसके लिए पहले आपको खुद को जो है सशक्त पेश करना आवश्यक है, और भारत अपने आप को सशक्त है, और हम चीन से दबते नहीं, और हम चीन के हितों का कहीं से अहित नहीं करना चाहते, किंतु भारत के हितों का समझौता किसी शर्त पर नहीं होगा। इस तरह का पोस्चर देने की
जो राजनयिक आवश्यकता है उसका एक नया काल प्रारंभ हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जी अचल जी, ये बताइए कि चीन की हरकतें किसी से छुपी नहीं है, उसका किन मुद्दों पर क्या रवैया रहा है, किस तरीके से उसने भारत को किन मुद्दों पर समर्थन दिया है, नहीं दिया, पीछे हट गया, एनएसजी में भी चीन ने भारत के लिए कुछ खास नहीं किया, रोड़े ही अटकाए हैं। अब जैसा कि इससे पहले मिश्रा जी ने भी जिक्र किया था कि और भी देश हैं जिनके खिलाफ चीन की स्ट्रैटेजी है, तो मेरा सवाल ये कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इंटरनेशनली ये किस तरीके से समझाया जाए कि चीन का वाकई यह बहुत हो चुका है, अपनी मनमानी करना उसे अब बंद कर देना चाहिए, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? देखिए, इस वक्त जो मेरी असेसमेंट है हमारी पॉलिसी की, हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई चाइना के खिलाफ फ्रंट खोलने की वो जो है इच्छा नहीं रखते हैं। हमारी पॉलिसी ये है कि अगर वो इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं तो हम अपने तरीके से उसे काउंटर करें। अगर जैसे ग्वादार पोर्ट को ले लीजिए, तो वो ग्वादार पोर्ट तक पहुँच रहे हैं तो हम छाबार पोर्ट तक पहुँच रहे हैं। अगर वो अफ्रीका में अपने इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं तो अब हमने भी कोशिश की है इंडिया अफ्रीका समिट के थ्रू और बहुत सारे प्लान्स और वो स्ट्रैटेजी लाके, और उसके हमें ज़्यादा इंटरनेशनल लॉबिंग या कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे साउथ चाइना सी रीजन है, उस पर ऑटोमेटिकली अमेरिका, जापान, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इस चीज़ को समझती हैं कि चाइना की एक्सपेंशनिज्म का जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन पे अच्छा असर नहीं पड़ने वाला। अब सवाल ये कि जो चाइना सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा हुआ है एज ए परमानेंट मेंबर विद अ वीटो पावर, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है आज की तारीख में। हमारे पास क्या, चाइना अमेरिका के पास भी नहीं है, रशिया के पास भी नहीं। जी जी, ये बताइए कि अभी जैसे कि आपने बताया हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान और चीन की जो इस वक्त स्ट्रैटेजी है दोनों की मिलकर भारत के खिलाफ और जिस तरीके से दोनों आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता इस पर वाकई सोचने की जरूरत है? बिल्कुल सोच रहे हैं, तभी तो हम काउंटर कर रहे हैं, हमारा जो बलूचिस्तान का प्रधानमंत्री। लेकिन कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी अभी जो रिलेशंस हमारे चल रहे हैं, जिस तरीके की बातचीत रुक गई और फिर चलने की बात हुई तो वो भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, फिर अब ये चीन भी हमारा पड़ोसी मुल्क है, अब जाहिर है पड़ोसी मुल्क से आप रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते, तो किस तरीके से आपको लगता है हमारी जो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी है, हम ठीक चल रहे हैं, इसमें कुछ और बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, देखिए ऐसे में क्या होता है कि आपको दूसरे की वल्नरेबल पॉइंट्स को देखना होता है और उसके ऊपर जिसे कहते हैं ना हथौड़ा मारना होता है। तो हमें चाइना की वल्नरेबिलिटीज़ और पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटीज़, पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी है बलूचिस्तान, गिलगित बलूचिस्तान, तो अब हमने प्रधानमंत्री जी ने इतने खुले शब्दों में जो बलूचिस्तान का जिक्र किया है वो भी अपने आप में एक किस्म का काउंटर करने की वो है। और चाइना का जैसे मैंने बताया कि ये जो एग्रेशन है ये ओवरनाइट, इसलिए ये एग्रेशन की भी पीछे बैकग्राउंड है, ये चाइना के लिए मैसेज है कि आप हमें हर जगह हर फ्रंट पे हर जगह आप लताड़ते रहे और हम अपनी डिस्प्ले या कोई मैसेज नहीं दे आपको, ऐसा हो नहीं सकता। तो और तो वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन, आप वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन और भारत उसके पक्ष में कभी रहा भी नहीं है, इट्स ओनली बाय एंगेजमेंट, कोऑपरेशन, कन्फ्रंटेशन। तो जो जैसा मौका आएगा हमें वही पॉलिसी बना के चलनी है, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम कन्फ्रंट करेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम कोऑपरेट करेंगे, इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट जैसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम कम नहीं है, ये हमें अपनी स्ट्रैटेजी के तहत हमने बता दिया और हमें बताते रहना चाहिए। बिल्कुल, वही जो मैं कह रहा हूँ कि वी मस्ट पंच अकॉर्डिंग टू आवर वेट एंड इट शुड बी सीन बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि हम We are not going to take it lying now. जी, as simple as that. जी, प्रेम जी, क्या कहेंगे? कैसे आगे बढ़ेंगे? पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा है? कश्मीर में हालात क्या हैं? और साथ ही साथ अब चीन का ये मसला उठ खड़ा हुआ है, तो जाहिर है कि हमेशा से जब से मोदी सरकार आई है तो पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों में सुधार की बात ही कही गई है, प्राथमिकता रखी गई है, लेकिन अब इसी प्राथमिकता के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए, इन सब मसलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता? नहीं, सुधार आवश्यक है हमारे संबंधों, चूंकि हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन पड़ोसी जब हमको दबाता है तो वो निश्चित तौर पर उसे संबंध हमारे सुधरेंगे नहीं। जी, पड़ोसी बार बार दबा रहा है और हम अगर जो है दबे पड़े रहे तो पड़ोसी हमारे दब्बू, हमको दब्बू बनाकर सारे अंतर्राष्ट्रीय लाभ भी ले जाएगा कि हम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके लिए वर्ल्ड बैंक में, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक में हमारा विरोध करेगा और हमारा उसको G80 तक पे सपोर्ट करने का एक हमारा इतिहास रहा है। तो हम जो है आपकी दुखती रगों पर निश्चित तौर पर हाथ रखेंगे, पाकिस्तान की दुखती रगों पर निश्चित तौर पर हाथ रखेंगे, तब तक जब तक आप जो है हमारे हितों को जो है आहित करने की अपनी प्रतिज्ञा जो है उसको त्याग ना दें। और इसके बीच हमारे को जो है कन्फ्रंटेशन, किसी से युद्ध नहीं करना है, लेकिन हम युद्ध से डर कर
अपनी आर्थिक नीतियों को, अपने आर्थिक हितों को, अपने भौगोलिक हितों को उसकी बलि दे देंगे, ये संदेश ठीक नहीं है। तो सरकार जो है इस तरह का संदेश दे रही है कि हम चाहते हैं कि भारत और चीन के बीच में सांस्कृतिक आर्थिक रिश्ते हो, सामरिक रिश्ते भी हो, यदि आप सामरिक रूप से मिलो। चलिए हम तो ऐसा चाहते हैं अभय जी, लेकिन चीन तो इसके लिए तैयार नहीं दिखता। बीडी मिश्रा जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1962 की जब वार हुई थी तो मैं उसमें वार में मैं खुद शामिल था और मैं उस वक्त लेफ्टिनेंट था और मुझे वो पूरी याददाश्त आज बिल्कुल क्लियर है हमारे दिमाग में। मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि वो सिचुएशन हमारे देश पर फिर कभी आए, जो भी कुछ हो। इसके लिए मेरे चार सजेशन हैं। पहला तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इतनी होनी चाहिए कि हम कोई भी मूव चाइना का काउंटर कर सकें। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड में इंडिया कभी भी ये न दिखाई पड़े कि स्टैंड अलोन है, इंडिया कभी भी स्टैंड अलोन नहीं होना चाहिए। तीसरा मैं ये कहूँगा कि इंडिया का पूरा एफर्ट जो आज है सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट लेने के लिए, वो डिप्लोमेटिकली बिल्कुल और तगड़ा होना चाहिए और फॉरवर्ड होना चाहिए जिससे हम वहाँ पहुँचें। और चौथा मैं ये कहूँगा कि जो रेड कॉर्डर है हमारे यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसको हमको टैकल करना चाहिए और चीन के लिए उसको काउंटर करने के लिए हमको अपने आप ही तैयार होना पड़ेगा। बाकी चीज़ें मैंने बताई है, इन वर्ल्ड हम लोगों को स्टैंड अलोन नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन हम तैयार तो हो रहे हैं, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की आपने बात की, तैयार ये तैयारी ही तो है, ऐसा आप नहीं अभी नहीं देखे तैयारी एक दिन तैयारी देखिए, जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो चाइना भी आगे बढ़ रहा जी, बिल्कुल। इसमें कोई ये कोई स्टैंड स्टिल नहीं है, इसका एक कोई फिनिश लाइन नहीं होती है। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की कोई फिनिश लाइन नहीं होती है। अगर फिनिश लाइन होती तो 5 एटम बम बना के कोई बैठ जाता, एक सबमरीन बना के बैठ जाता। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, और उस ऑनगोइंग प्रोसेस में हमको लैग बिहाइंड नहीं करना, लैग बिहाइंड नहीं करना है। प्रेम जी, तो सरकार इसके लिए पूरे तरीके से तैयार है? जो मुद्दा यहाँ पर उठाया गया एक्सपर्ट की तरफ से, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, निश्चित तौर पर भारत अपनी क्षमता के अनुरूप जो है अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, और हमेशा जो है जो हमारे विरोधी हैं वो उनको ये पता होना चाहिए हमारे पास डिटरेंट फोर्स है और हम उनके किसी भी दबाव में, सामरिक युद्ध की धमकी या हम किसी आर्थिक घेराबंदी के दबाव में नहीं आएंगे, बल्कि हम जो है एक स्वावलंबी, सक्षम, समर्थ किंतु जो है लोकतंत्र और शांति में विश्वास रखने वाले देश हैं। हम विस्तारवाद का विरोध करते हैं। अबे जी, इस पर तो आप होंगे सरकार के साथ? हम तो देश के साथ हैं ही शिल्पा जी, उसमें प्रश्न नहीं उठता। पहले दिन से हम देश के साथ हैं जी। बात बहुत अच्छी अभी हमारे मिश्रा जी ने कही कि हमको समूचे विश्व में एक ऐसा पोलराइजेशन डेवलप करना चाहिए। जैसे अभी आप इन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों से संबंध, तो कहा मैंने कि बफरिंग स्टेट्स जो हैं, खास करके नेपाल, भूटान, देखिए आप इतने नेपाल से कभी संबंध हमारे खराब नहीं रहे आज तक आज़ाद भारत के बाद, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि उन स्टेट्स को कम से कम सबसे पहले, क्योंकि सबसे प्रतिकूल प्रभाव वहाँ से हमको पड़ता है। दूसरा, हमको इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी आवाज़ को और दृढ़ता से रखना होगा, जैसे एनएसजी में हमारे साथ हुआ, हमने पाकिस्तान तक को सपोर्ट कर दिया ये कहकर चाइना को कि अगर उसको भी मेंबरशिप मिलती तो हमें कोई आपत्ति नहीं। हमको इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाना पड़ेगा कि प्रोलिफरेशन का आरोपी है पाकिस्तान, पाकिस्तान आतंकवादियों को बनाने का, क्योंकि जब तक हम उसको आइसोलेट नहीं करेंगे तब तक चाइना वहाँ उसके कंधे पर रखकर हम लोगों के लिए ये परिस्थितियाँ, आज पाकिस्तान का इतना साहस नहीं हो सकता अगर चाइना की बैकिंग नहीं होती तो, किस स्तर तक उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा दिया हमारे। तो ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। हमको देश में भी ऐसा अंदर वातावरण पैदा करना पड़ेगा कि विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों के लोग एक बहुलतावादी विचारधारा के राष्ट्र में एक साथ मिलकर के खड़े हों, तब कहीं जाकर हम दृढ़ता से मुकाबला कर सकते हैं। और हम हर समय साथ हैं देश के, और ये अच्छी बात है, अग्रणी भूमिका इस राष्ट्र को लेनी होगी। सत्ता और सत्ता पक्ष और विपक्ष को हमेशा देश के लिए एक साथ ही खड़े रहना चाहिए, तभी इस तरीके से जो पड़ोसी मुल्क से रिश्ते हैं तभी सुधरते हैं, तभी हम पड़ोसी मुल्कों को ये भी दिखा सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है। टिट फॉर टैट की जो स्ट्रैटेजी है वो ऐसे ही रहेगी। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोदी सरकार का स्टैंड एकदम साफ है और